तो हेलो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं और यहाँ बच्चे का ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने रेडी कर लिया है। और अभी देखिए खूब ज़्यादा ठंड भी लग रही है, तो मैं स्कर्ट वगैरह लगा लिया हूँ और मम्मी का जितना भी काम है अभी मेरा देख सकते हो, इधर ब्लैंकेट वगैरह ऐसे मतलब पड़ा हुआ है और इधर कुछ कपड़े भी है, मुझे उसको भी समेटना है। और उधर जो है मुर्गा भी टुकड़ कर रहा है, तो अभी मुझे ना मॉर्निंग का पूरा काम करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए बच्चे स्कूल जा चुके थे और उसके जाते ही मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। तो यहाँ कुछ दिनों से मेरा जो मॉर्निंग रूटीन है वो चेंज हो गया है। तो अभी देखिए सूरज तो निकल आई है, लेकिन इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है ना, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है काम करने का। लेकिन मैं रुकती नहीं हूँ, करते जाती हूँ, क्योंकि सुबह का काम को जितना जल्दी हो सके मैं कर सोचती हूँ कि हो जाए, क्योंकि आजकल का जो टाइम होता है ना बहुत जल्दी निकल जाता है। तो अभी देखिए टेबल के कपड़े को मैं निकाले थे, सबको फोल्ड करके रख दिया है, और जो जो कपड़े धोने थे सबको मैंने निकाल के रख देती हूँ। और अभी जो सुबह का काम होता है ना, मैं स्टेप बाय स्टेप करती हूँ, और ऐसे करने से ना बहुत जल्दी मैं काम को ख़त्म भी कर लेती हूँ। तो अभी देखिए ये जो मेरा बेटा है वो स्कूल नहीं जाता, मेरे साथ ही रहता है, तो उसको भी साथ साथ देखना होता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि हर काम को मैं जल्दी निपटाऊँ, ताकि मैं उसको समय में मतलब नाश्ता वगैरह बना के दूँ। तो यहाँ देखिए आजकल मैं पहले बेडरूम को क्लीन करती हूँ, और आजकल जो ठंड के मौसम है ना, मतलब ब्लैंकेट वगैरह भी मतलब 2-3 निकाल के रखी हूँ, तो इसी वजह से थोड़ा गंदा मुझे बेडरूम ही लगता है। तो आजकल मैं शुरुआत बेडरूम से करती हूँ। तो यहाँ देखिए सब ब्लैंकेट को मैंने अच्छे से फोल्ड करके रख दिया हूँ, और अभी देखिए जो बेडशीट है उसको थोड़ा मैं सरिया देती हूँ, और यहाँ मैं कपड़े से झाड़ लेती हूँ। तो अभी देखिए ठंड की वजह से मेरा रूटीन भी चेंज हो गया सुबह का, तो मैं उसी को फॉलो करती हूँ, और ऐसे करने से ना घर का काम भी मेरा बहुत जल्दी हो जाता है। और अभी देखिए सुबह का जो काम होता है ना बहुत फैला हुआ रहता है, हर चीज़ को अच्छे से करना होता है। तो यहाँ देखिए सुबह का जो टाइम होता है ना, यही टाइम है जो हर काम को हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, और समय भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। और इसके बाद जैसे बच्चे लोग स्कूल से आ जाते हैं, फिर तो वही लोग के पीछे में लगना होता है। तो यहाँ देखिए कुछ कपड़े थे इसको मैंने मशीन में डाल दिया हूँ, अभी ना ठंड की वजह से ज़्यादातर मैं मशीन में धोती हूँ, और कम कपड़े को तो मैं हाथ से धो लेती हूँ। तो अभी देखिए टाइम भी मतलब ज़्यादा नहीं था मेरे पास, क्योंकि काम करते करते देखिए टाइम हो जाता है। और अभी देखिए मैं आ जाती हूँ यहाँ बेडरूम, और यहाँ ना मकड़ी के जाले वगैरह को थोड़ा मैं साफ़ कर लेती हूँ। और बहुत दिन से यहाँ भी मैं सोच रही थी आज करूँ कल करूँ, करते करते यहाँ भी रह ही जाता है। तो अभी देखिए क्या होता है ना, मतलब कभी कभी सुबह तो उठ तो जाते हैं लेकिन दूसरा काम में मतलब लग जाते हैं, और मतलब बच्चे लोग के लिए टिफ़िन बनाना और भी कुछ काम होता है, जैसे सुबह का काम कभी एक जैसे तो नहीं होता है, तो इसी वजह से ना मैं सब भूल जाती हूँ। तो अभी देखिए मैं आ जाती हूँ यहाँ पर किचन, और किचन को आज मैं लास्ट में साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो हर वीडियो में शुरुआत में किचन से करती हूँ, तो यहाँ देखिए पहले मैं जितने भी मेरे छोटे छोटे सामान सब है सबको मैं अपने जगह में मतलब रख देती हूँ, और अभी जितना भी सब्जी वगैरह बचा हुआ था उसको भी मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, और सबको मैं एक साथ बर्तन वगैरह को क्लीन करूँगी। तो यहाँ देखिए फटाफट से मैं सामान को हटा लेती हूँ, और देखिए ये भले घर छोटा लग रहा है लेकिन काम उतना ही रहता है। तो यहाँ देखिए झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है, उधर मेरा जो कपड़े हैं वो भी धुलवा रहा है, और यहाँ मैं फटाफट पोछा लगा लेती हूँ पहले। और क्या होता है ना आजकल थोड़ा मैं ड्राई पोछती हूँ और जल्दी सूख जाता है, तो ड्राई मतलब डेली पोछती हूँ ना तो उतना गंदा होता नहीं है। और अभी देखिए सब मैंने घर का काम को करने के बाद मैं यहाँ अच्छे से धूप भी निकल आई है, तो यहाँ थोड़ा मैं बैठ के घास वगैरह को थोड़ा मैं तोड़ लेती हूँ। तो बहुत देखिए यहाँ कितना ज़्यादा था, और मैं इस तरह से हमेशा इसको साफ़ करते रहती हूँ, और बहुत ज़्यादा यहाँ क्लीन भी हो चुका है बाहर, और बच्चे लोग यहीं पे खेलते रहते हैं। अभी देखिए ठंड के मौसम में ना हम लोग बाहर में बैठे रहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ मतलब अच्छा लगता है धूप में बैठने से। वैसे तो इधर देखिए ये प्लास्टिक लगा हुआ है, धूप इतना नहीं आता है, तो बच्चे दोनों भी बाहर में खेलते रहते हैं। और अभी जो ठंड के मौसम होता है ना, बाहर जितना क्लीन करके रखो उतना अच्छा है, और ये घास वगैरह ना ये उगता रहता है, तो हमेशा मैं इसको ना साफ़ करते रहती हूँ। तो अभी देखिए ये जो है ना आसपास में पेड़ वगैरह लगा हुआ रहता है, तो इसका जो पत्ता है ना वो गिरता रहता है, तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, और घास सबको मैंने यहाँ तोड़ दिया है तो इसको मैं फेंक देती हूँ। तो इसी तरह होता है ना, कभी कभार मैं हर जगह कोई झाड़ू लगाती हूँ, और ऐसे करने से क्लीन भी रहता है। और अभी देखिए कितना ज़ोर से मतलब हवा वगैरह भी चल रही है इधर, अब पूरा मुझे अभी बाल वगैरह भी धोना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है ना इतना धूल वगैरह मेरे ऊपर ही आ रहे झाड़ू। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं नहा चुकी थी और बहुत मुश्किल से नहाई हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो चलिए पहले मैं कपड़े सबको धूप में निकाल लेती हूँ। यहाँ मेरा नहाना धोना हो चुका है, और इधर जो मेरा बाबू है पता नहीं क्या खोज रहा है यहाँ किचन, और मेरा कान पता नहीं क्या हो गया है, ठीक से नहीं बोल पा रही हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए सुबह का नाश्ता वगैरह हम लोग कर लिए हैं और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ चाय। अभी जो ठंड के मौसम है ना, इस मौसम में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। और वैसे तो मैं चाय ज़्यादातर नहीं पीती हूँ, लेकिन मौसम के अनुसार ना हर चीज़ अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए हस्बैंड जी भी आ चुके थे, तो यहाँ दोनों के लिए मैंने चाय बना लिया है। और अभी देखिए हम लोग का जो नाश्ता किया हुआ बर्तन वगैरह था, इसको मैं क्लीन करती हूँ। और ज़्यादातर मैं ना मतलब उसी टाइम में साफ़ कर लेती हूँ, और आजकल ना ठंड की वजह से बार बार पानी छूने का भी मन नहीं करता है, तो इसीलिए बर्तन धोने का भी मैं एक रूटीन बनाई हूँ। और शाम के बर्तन को ना 3 बजे तक मैं हमेशा क्लीन करके ही रखती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं और अभी मुझे बनाना है खाना, तो पहले मैं चावल को साफ करती हूँ। तो देखिए लाइन भी आ चुकी है, चलिए पहले मैं चावल को निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैं चावल को निकाल लिया हूँ और अभी मुझे इसको साफ करना है। तो पहले मैं पानी को गर्म करने के लिए गैस में रख देती हूँ, तब तक मेरा चावल चूना भी हो जाएगा, अभी तक मेरा पानी भी गर्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, ये भी मेरा डेली रूटीन है, खाना बनाने से पहले मैं हमेशा चावल को साफ करती हूँ। तो यहाँ देखिए चावल मेरा साफ हो चुका था, तो अभी मैं इसको पहले धो लेती हूँ। और धोने के बाद यहाँ देखिए मेरा जो पानी है वो भी गर्म हो चुका है। तो यहाँ देखिए मेरा चावल धोना हो चुका है, ये देखिए देख सकते हैं इधर मेरा चावल जो है, अभी मैं इसमें डाल देती हूँ पहले। और यहाँ देखिए पानी खूब ज़्यादा गर्म हो चुका था, तो मैं इसमें चावल भी डाल दिया और एक बार चला भी दिया। और क्या होता है ना, कभी कभी पानी जब ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, चावल में बहुत जल्दी उबाल भी आ जाता है। तो ये देखिए चावल डालने के टाइम ना कुछ चावल गिर गया था, तो इसको मैं देखिए मुझे बनाना है सब्जी। और ये देखिए मैं फ्रिज को खोल के रखी हूँ, तो अभी पहले मैं टमाटर को रख लेती हूँ यहाँ, क्योंकि जितना भी मेरा सब्जी आता है ना, सब में प्लास्टिक में ही भर के रख लेती हूँ। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बनाऊँ, सिर में घूम रहे हैं, इसको पहले उठा ही देते हैं। दाल बनाए और ठीक है ठीक। तो कह रहे हैं मुझे 5 मिनट सोने दीजिए, कह रहा है दाल बना दीजिए, तो चलो इतने दाल ही बना लेते हैं। वैसे तो सब्जी बहुत है, अभी टाइम भी हो गया, चटनी वटनी कुछ बनाते हैं देखते हैं। तो चलिए मैं पहले दाल को निकाल लेती हूँ। तो यहाँ देखिए अभी मैं बनाऊँगी मिक्स दाल, और ये है अरहर दाल। और मेरे घर में ना मतलब बच्चे दोनों ये दाल से थोड़ा दूरी ही बना लेते हैं, इसीलिए मैं मिक्स दाल बना रही हूँ यहाँ। और इसका जो टेस्ट आता है ना, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो अभी देखिए दोनों को मैं मिला लेती हूँ अच्छे से, और इसको मैं अच्छे से साफ कर लेती हूँ। देख सकते हैं ये दाल है। तो अभी देखिए यहाँ मेरा दाल ना अच्छे से मैंने धो लिया है, और अभी मैं कुकर में डाल देती हूँ। और इसमें मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर दे के ना इसको मैं 3 सीटी आने तक पकाऊंगी, और ये ना 3 सीटी आने तक बहुत अच्छा से पक। फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ बाहर, और मेरा कुछ कपड़े हैं बाहर में, इसको मैं देख के आ। जो कपड़े हैं ना, तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, यहाँ जो मेरा नोज रिंग था ना, वो यहाँ पर गिर गया, अभी मुझे मिल नहीं रहा है, इसी को मैं खोज रही हूँ, पता नहीं कहाँ गुम हो गया घास में। और कलर भी उसी तरह का था, ये गोल्डन कलर है, और घास भी थोड़ा गोल्डन कलर है। चलो छोड़ देते हैं, बस मेरा कपड़ा सूख जाए। और अभी जगह भी नहीं है कपड़े सुखाने का, तो चलिए मैं, तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर। और
इसका सिटी ना उठ गया था ऊपर। तो अभी देखिए खाना मेरा रेडी हो चुका है। तो यहाँ मैं जला रही हूँ बैगन, तो माचिस के पीछे साइड से ना बैगन को मैं अच्छे से होल कर दिया हूँ, और ऐसा करने से ना ये बहुत अच्छा से पक जाता है। तो यहाँ देखिए मेरा जो टमाटर है वो पक चुका है। तो चलिए मैं कुकर के सीटी को अभी निकाल लेती हूँ और देखती हूँ दाल मेरा कितना पका है। तो ये देखिए दाल भी अच्छे से गल चुका है, और अभी मैं इसमें लगाऊंगी छौंक। तो ये जितना गलेगा ना उतना इसका टेस्ट आता है। तो अभी देखिए मतलब इसका जो छौंक लगाऊंगी ना, तो ये मिर्चा और लहसुन देखिए छौंक लगाऊंगी दाल में। तो अभी देखिए ये जो मेरा टमाटर और बैंगन को मैं जलाई थी, इसमें हरा मिर्चा और अनियन को मैंने कट किया है, और थोड़ा सा मैं धनिया चटनी 1-2 चम्मच डाल दिया हूँ। और ऐसा करने से ना ये बहुत मतलब टेस्ट आता है इसका, और ये बिल्कुल देसी स्टाइल में। और मेरे घर में ना अभी के सीजन में धनिया चटनी हर दिन ही बनता है। तो अभी देखिए सब थाली में थोड़ा थोड़ा मैं इस चटनी को भी डाल लेती हूँ, और बहुत टेस्ट लगता है ये बिना मैंने लहसुन वगैरह डाल के बनाई हूँ। तो अभी देखिए ये जो हम लोग का दोपहर का खाना है ना, खाते खाते 2:30 बज ही जाता है। तो इधर देखिए सबके लिए मैं दाल भी परोस रही हूँ। तो यही था मेरा विंटर मॉर्निंग रूटीन। अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर।